एक दफा की बात है कि एक गांव में सलीम नाम का एक शख्स अपनी बीवी सीमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है। सलीम एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है। एक रात इसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। इसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया। जैसे ही इसकी बीवी को पता चला, वो भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके शोहर की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप खुदा पर भरोसा करें। सलीम इस हादसे में बच तो गया, लेकिन इसकी एक टांग बुरी तरह मुतासिर हो गई। घर में मौजूद जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च हो गई। 3 महीनों से वो बेरोजगार था। फिर इसने एक नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इस अपाहिज को कोई भी काम देने को तैयार न था। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि सड़कें पानी से भर जाती थी। और आज भी वो परेशान घर वापस लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे, सब मुझे देखकर ऐसे रुख बदल लेते हैं जैसे मैं कोई भूत हो। आखिर किसी अपाहिज को जीने का भी कोई हक नहीं है क्या? वो और उसके घर वाले आखिर भूख से मर जाए क्या? और इसका मकान मालिक भी घर का किराया लेने हर दूसरे रोज आ जाता था, साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। आज शाम भी वो घर खाली करने की धमकी देकर गया था और घर में इलाज का एक दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी सोच में गुम जा ही रहा था कि बारिश शुरू हो जाती है। मुझे इस चाय की ठप्पे के नीचे छुप जाना चाहिए, कहीं बारिश में तबीयत न ज्यादा खराब हो जाए। अगर तबीयत खराब होगी तो लेने के देने ही न बन जाए। वो चाय की ठप्पे के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की ठप्पे वाला चाय के साथ साथ पकोड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। इसे पता था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसने जेब में हाथ डाला तो एक 10 रुपए का पुराना नोट निकला। 10 रुपए ही तो है जेब में, क्या करूं क्या करूं। हम या बीवी तो कुछ ना खाए बगैर भी रह लेंगे, मगर बच्चे तो जरूर कुछ ना कुछ मांगेंगे खाने को। अगर पकौड़े ले जाऊं तो बच्चे खुश हो जाएंगे। पहले तो उसने बहुत सोचा, फिर 10 रुपए के पकौड़े ही ले लिए। बारिश बंद हुई तो वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बुरी तरह रो रहा था। पिंकी सहमे हुए अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और मालिक मकान घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहा था। इसकी बेटी ने जब देखा तो भागकर अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से निकाल दिया है और हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। सलीम ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और मालिक मकान के पैरों में गिरकर कहने लगा, इस तरह हमें बेघर मत करे मालिक, चुप कर, पहले 4 महीने का किराया हाथ पर रख, फिर बात कर, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा, चुप कर। 4 महीनों से तुम्हारी ये बात सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तभी मालिक की नजर सलीम के हाथ में पकड़े कागज में लिपटे पकौड़ों पर पड़ी। उसे देखकर इसका पारा हाई हो गया। ओ अरे रे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं है और पकौड़ा पार्टी में रहे हो, चलो निकले यहाँ से। ये कहकर हाथ में पकड़े पकौड़ों के कागज को पकड़कर बाहर फेंक देता है और फिर ताले लगा कर निकल गया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं, मगर कहीं तो जाना होगा। छोटा मोटा सामान अपने सर पर लिए वो घर से निकल पड़े। एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए कहीं छुपना चाहते थे, मगर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं थी। सीमा अपने बेटे को सीने से लगाए चली जा रही थी। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। बारिश तो हो रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। तभी इसकी नजर सड़क किनारे पड़े सीमेंट के पाइप पर पड़ी। इसने सबको पाइप में छुपने के लिए कहा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने देखा कि सीमेंट वाले पाइप से कुछ दूरी पर एक
हरी खड़ी आकर रुकती है। इसमें से दो कपड़े बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना ही मजा है ना। सच में बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना बहुत मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे, मजा आ जाए। एक तरफ सलीम और उसकी फैमिली बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी तो दूसरी तरफ कोई पूरी रात बारिश चाहता था। कितना फर्क है ना इस दुनिया में, सलीम भी यही सोच रहा था और साथ ही बारिश रुकने का इंतजार। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार दो दिन बारिश की वजह से सीवरेज भी बंद हो गए, जिसकी वजह से इनकी सीमेंट के पाइप तक भी पानी आ गया। पानी इनकी सीमेंट तक पहुंच चुका था। सीमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंची जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब थूक कर मर जाएंगे। तब सीम ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी जगह की तलाश में आगे की तरफ जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया, सलीम की बैसाखी लड़खड़ाई और वो गिर गया। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव में आ गई। पापा बचाओ, मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तरफ दो दिन से भूखा खानदान और ऊपर से बारिश का कहर, सलीम चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया और पिंकी पल में आंखों से ओझल हो गई। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे मगर दोनों की पुकार अंत सुनी हो रही थी। सीमा, सीमा। अब वो दोनों बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी रेस्क्यू वाले वहां पहुंच गए और उन्हें बचा लिया। हम तीनों तो बच गए मगर हमारी बेटी को छीन लिया सीमा। तभी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में बिस्किट थे इनके पास आई और बोली, पापा पापा आपको भी भूख लगी है ना, ये ली बिस्किट खा ले, अंकल ने मुझे दिए थे, मैं बस आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर सलीम और सीमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी रेस्क्यू वाले बचाकर हफाजती कैंप में ले आए थे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वो लोग खुदा का शुक्र अदा करने लगे। पूरा एक महीना वो लोग कैंपों में ही रहे। फिर सरकार ने कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए जिससे वो नई जिंदगी शुरू कर सके। आर्मस्ली चाय पकौड़े की दुकान चलाता है, इसकी जिंदगी पहले से बेहतर है। बारिश ने आजमाया मगर इसी बारिश ने इसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी दे दिया।